दोस्तों आप क्रोम ब्राउजर का यूज जरूर करते होगे, और गाइस आप कई सारी वेबसाइट का यूज करते हो जिसमें कि आपको आपकी जीमेल की जरूरत होती है। और गाइस होता क्या है कि जो हमारे फोन में जीमेल होती है बहुत सारी होती है, जैसे कि आपके पास एक से ज्यादा जीमेल है, जैसे कि 2 या 3 या 4 आपके पास मोबाइल फोन में कितनी भी जीमेल है, और अब आप चाहते हो कि आप अपने क्रोम ब्राउजर के अंदर जो जीमेल है उसको स्विच अकाउंट कर सके, यानी कि जो भी जीमेल है उसको दूसरी जीमेल पे लाया जा सके ताकि हम उस वाली वेबसाइट के अंदर साइन अप कर सके, लॉगिन कर सके। तो गाइस मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे किया जाता है, क्योंकि गाइस क्रोम ब्राउजर के अंदर ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं है, और गाइस है पर आपको पता नहीं वो कैसे होता है, और उसमें कई लोगों को प्रॉब्लम भी आ रही है। तो इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि आप अपनी जीमेल को स्विच कैसे कर सकते हो क्रोम ब्राउजर के अंदर। तो गाइस ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक पूरा देखते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम अगर कोई नेक्स्ट वीडियो लाए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए दोस्तों बिना देरी करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि भी आप देख सकते हैं गाइस हम अपनी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो गाइस सिंपल मैं अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेता हूं, और गाइस जैसे मैं क्रोम ब्राउजर ओपन करता हूं मेरे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है, और आपको ऊपर की तरफ ये आइकन देखने को मिल जाता है, देख सकते हैं पी लिखा रहा है तो आपका जिस नाम से होगा वो आ जाएगा, और आपकी इमेज लगी होगी तो इमेज आ जाएगी जीमेल पर। तो गाइस सिंपल मैं इस पर क्लिक कर देता हूं। तो अभी आप गाइस देख सकते हैं मेरे इसमें ये लॉगिन है, ईमेल आईडी PPD, ये देख सकते हैं आप, जो भी ईमेल है आप इसको देख सकते हैं। और गाइस जैसे मैं इसको स्विच करने की कोशिश करता हूँ, यानी कि इस पर क्लिक करता हूँ, मेरे सामने मेरी सारी ईमेल आ जाती है, और मैं किसी भी ईमेल को ओपन करता हूँ जैसे कि मैं इसको करता हूँ, तो गाइस इसमें होता क्या है कि ये ऑप्शन आ जाते हैं गूगल क्रोम ब्राउजर, ये मेरी आईडी स्विच नहीं होती है। तो गाइस सिंपल आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस आपको बैक आ जाना है, आपको होम पेज पर आ जाना है कंप्लीट सिंपल। अब आपको इधर एक 3 डॉट मिलती है, सिंपल आप इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक कर देते हो आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस आता है, तो आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो गाइस मैंने सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक किया, तो गाइस आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है। तो गाइस आप वैसे भी आ सकते थे पर गाइस मुझे लगा सेटिंग पर जाके आपको बता देता हूँ, तो आप सेटिंग से भी आ सकते हैं, तो मैं इधर सेटिंग से आ गया हूँ इस वाले पेज पर। आप वैसे भी क्लिक करके जा सकते हैं जो जैसे मैं पहले गया था। सिंपल आपको अपनी ईमेल पर क्लिक करना है, तो गाइस सिंपल मैं इधर ईमेल पर क्लिक कर देता हूँ। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आता है, आपको सबसे लास्ट में चला जाना है। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है साइन आउट एंड टर्न ऑफ SYNC, सिंपल आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो आपको उधर टिक कर देना है, और इधर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। देख देखते हैं क्लियरिंग अकाउंट डाटा, सिंपल आपको यहाँ पे ध्यान देना। आप सोच रहे होंगे कि हमारा अकाउंट का डाटा पूरा क्लियर हो जाएगा, तो गाइस ऐसा कुछ नहीं है, जो आपकी क्रोम ब्राउजर के अंदर ईमेल होगी ओनली वो हट जाएगी। अब आप जिसको लगाना चाहे वो लगा सकते हैं, जैसे कि ये देख सकते हैं टर्न ऑन SYNC, सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है, और जिस ईमेल को आपको लगाना है आप इस पर क्लिक करके लगा सकते हैं। देख सकते हैं मेरे सामने मेरी सारी ईमेल आ चुकी है, तो मैं जिस ईमेल को लॉगिन करना चाहता हूँ तो मैं उसको कर सकता हूँ। देख सकते हैं प्रशांत सिंह वाली, सिंपल मैं इस पर क्लिक किया, यस आई एम इन, इधर बैक आ गया। और गाइस अब आप देख सकते हैं मेरी ईमेल यहाँ पर आ चुकी है, मेरी जो रियल ईमेल है जीमेल है, यानी उसको जिसको मैं लॉगिन करना चाहता था, स्विच करना चाहता था, तो देख सकते हैं मेरी जीमेल स्विच हो चुकी है। ऐसे आप भी कर सकते हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दे। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि मैंने आपको बताया कि आप अपने क्रोम ब्राउजर के अंदर जीमेल अकाउंट को स्विच कैसे कर सकते हो बिल्कुल आसान तरीके से। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम अगर कोई भी नेक्स्ट वीडियो लाए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय भीम जय भारत।